सदैव हमारी पूजा पाठ, हमारे देवों की आराधना, हमारे मंदिर निष्कंटक हो जाएं। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5:00 से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है, कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है वो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु संन्यासी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4:00 ब्रह्म मुहूर्त से होता है। हमारी आरती का समय भी, प्रथम आरती का समय भी रात शाम सुबह 4:00 से प्रारंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की। वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है और कहते हैं कि हम किसी और इबादत का कोई शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि ये हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में ये ठीक नहीं माना जाता और हमारे इस्लाम में ये जायज नहीं माना जाता। तो मैं कहती हूं कि किसी में जायज माना जाए ना जायज माना जाए, क्या हमें उसकी चिंता है? बिल्कुल करते, हिंदू तो करता है, क्योंकि हम सर्वपंथ समभाव की भावना रखते हैं। लोग परिभाषा दे दिए कांग्रेस के समय में, सर्वधर्म समभाव। मेरी एक शुद्ध परिभाषा है, कोई और धर्म है ही नहीं। अगर कोई धर्म है तो वो सिर्फ सनातन धर्म है, और कोई धर्म है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा विचार, इतना बड़ा चिंतन, इतना बड़ा तपस्या, इतना बड़े शोध किसी और का हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा देश सनातन है। किसी को 1400 वर्ष हुए हैं, किसी को 2100 वर्ष हुए हैं, पर कोई बता सकता है कि भारत का जन्म कब हुआ, सनातन का जन्म कब हुआ? ये अनादि है, इतना बृहद, इतना विस्तृत और इतना प्राचीन और इतना नव निर्मित, सदैव अभ्युदय का उद्गामी होता है। ये भारत है, ये सनातन देश है।